वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड अलग अलग कंटेंट पे वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। कल हमने बिल्डर हॉल 7 पे 3-स्टार अटैक स्ट्रेटजीज के लिए एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, ग्लिच इन CWL। हाँ दोस्तों, वी फाउंड अ ग्लिच इन CWL। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब हम नॉर्मल क्लैन वॉर खेलते हैं तब हमें एक दिन का प्रिपरेशन डे मिलता है। तो नॉर्मली प्रिपरेशन डे के टाइम हम अपोनेंट क्लैन के वॉर बेसिस स्काउट करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं, पर जब CWL चालू होता है तब हमें डायरेक्टली बैटल डे के टाइम ही अपोनेंट क्लैन के बेसिस दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आज हमारा CWL का 4th दिन चल रहा है और हम अगले दिन के बेसिस नहीं देख सकते। जैसे ही हम किसी भी प्लेयर पे क्लिक करते हैं, एनिमी विलेज विल बी रिवील्ड ऑन बैटल डे, ऐसा लिख के आता है। बट आज हम आपके लिए एक सिंपल सा टेक्निक लेके आए हैं, जिससे आप अपोनेंट क्लैन के किसी भी प्लेयर के बेस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमारा CWL का 4th दिन चल रहा है और अभी हम ये 17 नंबर के प्लेयर को स्काउट करके देखते हैं। ये टाउन हॉल 11 का बेस दिख रहा है, प्लेयर का नाम है डबलर। अभी हम नेक्स्ट वॉर के 17 नंबर के बेस को स्काउट करके देखेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। हम 17 नंबर और डे 5 पे 7 में क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें प्रिपरेशन डे लिख के आ रहा है और स्काउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो अभी हम इसे स्काउट करके देखते हैं। तो ये टाउन हॉल 9 का बेस है और प्लेयर का नाम HUH ऐसा कुछ है। तो अभी हमने देखा ये सिंपल टेक्निक यूज़ करके हम कैसे अपोनेंट बेस को देख सकते हैं। तो अभी हम और एक बार ट्राई करके देखते हैं मेरे मिरर बेस पे। तो चलिए देखते हैं मेरा मिरर नेक्स्ट वॉर में कैसा होगा। तो अभी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। मेरा नंबर है 26, तो 26 और डे 5 को एक साथ क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये TH8 का बेस है और CHUTCH9 ऐसा कुछ नाम है। तो ये टेक्निक हम अपोनेंट क्लैन के किसी भी बेस पे ट्राई कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि हम पहले से हमारे अटैक्स प्लान करके रख सकते हैं, CC टूप्स डिसाइड करके रख सकते हैं और CWL में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों, आप भी ये टेक्निक का यूज CWL में जरूर करके देखें और आपके अपोनेंट क्लैन के आप सारे बेसेस इससे देख सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी क्लैशिंग।